शामली में बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के लिए प्रचार करने पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इशारों में अखिलेश यादव पर तीखा निशाना साधा। जयंत चौधरी ने कहा कि हम जिस पार्टी के साथ थे वो हमारे साथ शतरंज जैसी चाल चल रही थी, वो बेगम की चाल दिखाकर राजा को मारना चाहते थे, हमने वक्त रहते ही सही फैसला किया है। आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हो, कोई बात मेरे चेहरे पे या जुबान पे ना आए उससे पहले आप मेरी बात को इशारे के तौर पे समझ जाओ। रणनीति, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में रणनीति होनी चाहिए, यही नेता का काम होता है। शतरंज भी यहां खेलते होंगे, किसी को शौक है शतरंज का? तो शतरंज में एक ऐसी चाल हो कि प्रतिद्वंदी ये दिखाता है कि मैं कमजोर हो लिया और फिर मात दे देता है। कुछ हमारे साथ ऐसा ही करना चाहती थी सामने वाली पार्टी, जिनके साथ हम थे वो हमें बेगम दे रहे थे और राजा मारना चाह रहे थे। बताओ, हमें कोई मलाल नहीं है, उनकी अपनी जिम्मेदारी अपने दल के लिए, मेरी जिम्मेदारी अपने लोगों के लिए। दरअसल अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा था कि पश्चिमी यूपी में जिस तरह बीजेपी की घोषित संयुक्त रैली में उनके साथ गए दल भी अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं और उपेक्षित होकर अपमान का घूंट पीकर रह जा रहे हैं, यहां तक कि अपने प्रत्याशी के समर्थन में की जा रही रैली तक में वो हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा का गठबंधन गांठ बंधन बन चुका है। यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया।